आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की क्लासेस जो है लास्ट क्लासेस हमने ली थी, तो उसमें हमने आपको बेसिक चीज बताई थी, मतलब कि जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपने लास्ट टाइम में देखा था वो मोस्ट यूज्ड कमांड था जो बाहर आपको दिखता है। बट इसमें आपको देखिएगा हर एक सेक्शन में आपको मोर रूल्स या न्यू रूल्स दिखेगा, मोर रूल्स एंड न्यू रूल्स। तो ये क्या है, मतलब कि जो चीजें बाहर दी गई है, जो चीजें बाहर आपको दी गई है वो मोस्ट यूजेज है, बाकी जो फीचर्स है यहां, जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, बिटवीन में नॉट बिटवीन, तो ये फीचर आपको यहां मोर रूल्स में मिलेगा। तो मोर रूल्स में आप यहां देख रहे हैं ये आपके सामने फीचर्स है, जैसे मुझे लाल मुझे मान लीजिए कि नॉट बिटवीन हमें करना है, तो यहां हम नॉट बिटवीन पे जाएंगे और यहां हम दे देंगे कि भाई 20 से लेके 60 के बीच को हाईलाइट नहीं करना है। और फिर हमने फॉर्मेटिंग कहां से देंगे, तो जो फॉर्मेट वाला पार्ट है इस पर क्लिक करेंगे और ये आपका फॉर्मेट सेल का पार्ट खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग चाहिए वो फॉर्मेटिंग आप चूज कर लीजिए, जैसे मुझे कलर करना है तो हमने कलर को चूज कर लिया, ओके एंड ओके कर दिया, ये हमारा कलर फॉर्मेट हो गया। ओके तो इस तरह की चीजें हम लगा सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो और क्या क्या है एक बार देख लेते हैं, आइए मोर रूल्स में। यहां आपका बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू है, तो इसको आप एक एक करके यूज कर लीजिएगा, यूज करने का तरीका सिंपल है। बट राइट साइड में यहां सेल वैल्यू लिखा हुआ है, अगर सेल वैल्यू की बात करते तो टेक्स्ट, जैसे कि कल की क्लास में मैंने बताया था सेल दैट कंटेन, मतलब कि मिलता जुलता वर्ड को आप कैसे हाईलाइट करोगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे नेम दिया हुआ है और यहाँ पे इस तरह से हमने पूजा वगैरह ले लिया, तो यहां भी क्या है, एक है आपका पूजा सिंह, यहां पे एक है आपका सिंह पूजा। तो अगर आपने कंटेन में गए, टेक्स्ट दैट कंटेन में अगर मैंने पूजा कर दिया तो पूजा सिंह पूजा, पूजा सिंह सिंह पूजा सब हाईलाइट होगा, ओके। लेकिन यहां कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मोर रूल्स में हमारे पास स्पेसिफिक टेक्स्ट होता है, अगर हम इस टेक्स्ट में जाते हैं तो कंटेनिंग दिखेगा आपको, कंटेनिंग मतलब कि जो बाहर था वो, क्या अगर हमने पूजा कर दिया तो जहां है आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी लगाओ तो आपको हाईलाइट कर देगा। लेकिन यही में मैंने दे दिया नॉट कंटेनिंग, मतलब कि इसमें पूजा के अलावा सब हाईलाइट हो जाएगा। और बिगेन विद हमने बोला कि आप उसी को हाईलाइट करें जो स्टार्टिंग में पूजा है, तो सिंह पूजा जो है आप देखेंगे वो हाईलाइट नहीं होगा, ओके। ऐसे हम यहां पे बोलेंगे कि एंड विद जो लास्ट में पूजा है वो हाईलाइट होगा, तो इसमें आपको पूजा सिंह हाईलाइट होगा, पूजा और सिंह पूजा हाईलाइट होगा। तो ये आपका यूज करने का तरीका है टेक्स्ट में कंटेनिंग, भाई कहीं भी वो हाईलाइट कर दे, नॉट कंटेनिंग इसके सिवाय सब हाईलाइट कर दे, बिगेन विद स्टार्टिंग में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ना कि आपके पास नेम है तो इसमें मिस्टर रवि मिसेज पूजा लगा हुआ है, तो आपको मेल वाले को हाईलाइट करना है, तो आपको पता है कि भाई नेम के आगे मिस्टर लगा हुआ MR लगा होगा, तो आप बिगेन विद MR कर दीजिए, जिसका नाम MR के आगे MR लगा होगा वो हाईलाइट कर देगा, तो इसका यूज हम करते हैं। क्लियर है सिलेंदर जी, जी। ज्योति जी, 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 जी। चलिए आगे बढ़े इसमें। अब इसमें अगला जो आता है वो आता है मोर रूल्स में टेक्स्ट के बाद डेट ऑर्डरिंग, जो बाहर था वही है ब्लैंक, जो भी ब्लैंक्स है उसको हाईलाइट कर देगा,
नो ब्लैंक, भाई जिसमें ब्लैंक नहीं है लिखा हुआ है वो हाईलाइट कर देगा, एरर जिसमें एरर है। अब एरर का यूज हम लोग करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कुछ डेटा आता है फॉर्मूला से, तो फॉर्मूला जहां परफॉर्म सही तरीके से नहीं करता है वहां पे एरर देता है, तो ये आपका एरर दे रहा है। तो यहां पे देखिए कहीं कहीं पे एरर है और कहीं कहीं पे आपका रिजल्ट है। मैं चाहता हूं कि जहां रिजल्ट है वहां मेरा जो मतलब कि जो एरर है वो एरर ना दिखे, विजुअल ना। हालांकि इसके लिए फॉर्मूले वगैरह यूज करते हैं, बट हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग से भी कर सकते हैं। हाईलाइट सेव रूल्स में गए, यहाँ पे मोर रूल्स पे आए और यहाँ पे हमने एरर को सिलेक्ट कर लिया। और हम फॉन्ट में गए, हमने फॉन्ट में जाने के बाद इसकी कलर व्हाइट कर दिया, क्योंकि बैकग्राउंड व्हाइट है तो इसकी टेक्स्ट कलर व्हाइट होगी। तो सिंपल सी बात है ना कि अगर व्हाइट मार्कर से व्हाइट बोर्ड पे लिखेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा ना क्या। तो सेम चीज यहाँ होगा कि वो रहेगा तो बट विजुअल नहीं होगा, ये आपको दिखता नहीं है लेकिन एक्चुअल में है। अगर मैं इसकी बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूं तो आप दिखेंगे कि है। तीन चीजों का यूज करते हैं, तो मोर रूल्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। बाकी सुजीत जी, हाँ बोलिए। जैसे अभी कोई डेटा मान लो ज्यादा हो, जैसे अभी तो हम 20-22 रोज को सिलेक्ट कर रहे हैं, कहीं 500 कहीं पे हो, 500 रोज हो, तो वो पर्टिकुलर सेल फिर उसको स्क्रॉल करना पड़ेगा या वो अपने आप ही सामने आ जाता है, मान लो ऐसा कुछ है। स्क्रॉल डेटा क्या बोला, सिलेक्ट करने की बात कर रहे हैं? नहीं, जैसे ये 24 रो है, अगर मान लो स्क्रीन पे तो अगर डेटा हमारा 500, उस समय कैसे करेंगे? बात कर रहे हैं डेटा बहुत सारा है ना। हाँ जी, ये डेटा इसमें कोई पर्टिकुलर ऐसे हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं ना। हाँ जी, सिलेक्शन मेथड की क्लास लग रहा है, भूल गए आप, चलिए बता देता हूँ। इसको सिलेक्ट करने का, देखिए सिलेक्ट करने का नहीं, ये कह रहा हाँ, जैसे जो हाईलाइट होता है, हाईलाइट होता है, मान लो हाईलाइट जो है अभी जैसे 29 रो दिख रही है, हाईलाइट कोई 4 नंबर की रो है, तो वो हाईलाइट अपने आप स्क्रीन पे आ जाएगी या स्क्रॉल करके हमें वो ढूंढना पड़ता है? सर स्क्रॉल भी ढूंढना पड़ेगा ना, पोजीशन होती है, जस्ट हाईलाइट कर देगा। जैसे मान लीजिए कि इसमें सेलेक्ट किया और हमने सेलेक्ट करने के बाद मान लीजिए हमने इक्वल टू बोल दिया 10, जहां जहां वहां हाईलाइट कर दो, राइट। तो यहां दिख रहा है, आप नीचे देखने के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा ना। अगर आप चाहते कि जितने भी हाईलाइटेड है वो सब आ जाए, फिर इस पर आपको फिल्टर अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से फिल्टर, और फिर यहाँ पे फिल्टर पे जाएंगे, फिल्टर बाय कलर, फिर आप अपने कलर को चूज करेंगे। एक कलर ना आपका फिल्टर का, अच्छा, तब आपके सारे स्क्रीन पर आ जाएगा। अच्छा, फिल्टर भी है, शॉर्ट भी है, हम आगे आपको बताएंगे जी। चलो ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो इसके अलावा अगर हम मोर रूल्स में या न्यू रूल्स में आते हैं, तो ये फॉर्मेट सेल के बाद दूसरा कैटेगरी आता है टॉप बॉटम, जो बाहर था वही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। हाँ, अब बात करते हैं आइकन सेट की। तो एक छोटा सा डेटा हम यहाँ बना रहा हूँ आपको, कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई स्कोर है, मतलब कि हमने किसी डिपार्टमेंट का टेस्ट लिया था, तो उसके स्कोर हमने यहाँ पे लिए, राइट। अब मुझे इस पे ग्रेड देना है, मतलब कि इसको 3 भागों में बांटना है। फॉर एग्जाम्पल, ये बताने के लिए कि हम इसलिए बता रहे हैं ताकि हम आपको बता सकें कि हम आइकन्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है, तो इसमें क्या करना है कि हमें जो ग्रेटर देन 60 है उसको करना है पास। 40 to 60 के बीच में जितने भी है उसको देना है रीटेस्ट, और लेस देन 40 को हमें करना है फेल। इसमें हम इफ कंडीशन लगा सकते हैं, पर हम यहाँ आइकन लगाना चाहते हैं। तो कौन सा आइकन लगाएंगे? तो आइकन में आपको दिखेगा ए, दिख रहा है, जो टिक का निशान लगा हुआ है वो पास है, जो एक्सप्रेशन मार्क है वो रीटेस्ट है, जो क्रॉस है वो फेल है।
यहां जो लगा है वो मेरे इस कंडीशन से तो नहीं लगा है ना क्या सर? ऑटो इसमें फिट है। नहीं फिट तो है लेकिन कंडीशन तो नहीं है ना मेरा सर इसमें। आप देखेंगे बहुत सारी जगहों पे कंडीशन मैच नहीं करेगा। इसको क्या पता है कि हम क्या कंडीशन दे रहे हैं? तो आप यहां मैनेज रूल में आएंगे और इस जो लगा हुआ है इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये आपका कंडीशन आ जाएगा। यहां पे देखिए परसेंटाइल का नॉर्मल लगा हुआ है, परसेंटेज लगा हुआ है, परसेंटाइल लगता है सबको सेलेक्ट करके परसेंटाइल लगा के तीन भागों में बांटा हुआ है, 63, 67 ये लगा हुआ है। तो इस परसेंटेज को चेंज करेंगे और हम नंबर लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? नंबर। अब यहां पे अपना कंडीशन देंगे 60, 40। तो 60 से ऊपर में एक आइकन देगा, 60 और 40 के बीच में ए देगा और 40 से नीचे ए देगा। ओके आइकन चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से अगर आपको ऐसा लगता है तो। एंड ओके कीजिए एंड अप्लाई कीजिए। अब आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग चल रहा है। इससे पहले 63 पे एक्सप्रेशन मार्क लगा हुआ था। अब आइडेंटिफाई कैसे होगा? तो 3, 2, 1 और फिर इसमें हम आइकन लगा देते हैं, दिख गया? बट 1, 2, 3 भी दिख रहा है। तो यहां मैनेज रूल में जाएंगे, और मैनेज रूल में यहां पे देखिए शो आइकन ओनली दिख रहा है, दिख रहा है? एंड ओके कर देंगे, अप्लाई एंड ओके। और इसी तरह ये चीजें हम कलर स्केल में भी लगाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि 10, 30, 40, 50, 60, 70, 90 इस तरह से लिखा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे यहाँ पे अगर आइकन देते हैं तो ये तो आइकन है, और आइकन की बात करें तो इसको मैनेज रूल में जाके देखिए ये आइकन के भी कंडीशंस है। ये मिनिमम और मैक्सिमम को ऑटोमेटिक लिया हुआ है। बोलते हैं कि मिनिमम जो है मेरा नंबर वो है 30 और मैक्सिमम नंबर जो है हमारा वो है 90 या 60 कर दीजिए, 60 नहीं 80 कर देता हूँ, 80 एंड ओके दीजिए एंड अप्लाई। अब देखिए 10 और 30 पे दिखाई नहीं, 30 से 40 के बीच में बढ़ रहा है, समझ गए? तो यहां आप अपने हिसाब से इसको भी चेंज या जो करना चाहे वो कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आपका कलर मान इसको मैं डिलीट करना है तो यहां से डिलीट कर देता हूं मैं, अब न्यू रूल्स में वापस जाता हूं। अब यहां से कलर स्केल आप लगाते हैं, यहां से क्लियर भी कर सकते हैं। ये टायर शीट हो गया, मुझे क्लियर करना है सिलेक्टेड सेल। अब मैं यहां पे आता हूं आइकन सेट में, नहीं कलर में थे ना, कलर में। तो कलर में अगर हम इसकी मैनेज रूल में जाए इस पर डबल क्लिक करें तो यहां पे कलर स्केल है, लोअर वैल्यू, परसेंटाइल वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू, इसने अपने आप कैलकुलेट किया हुआ है। ओके तो लोअर वैल्यू में नंबर दे दीजिए कि भाई मेरा 30 है, 30 तक रेड आएगा, रेड का जगह मतलब डार्क रेड आना चाहिए। फिर हमने यहाँ पे बोला कि नंबर 50 हमने यहाँ पे कर दिया कि 50 जो है येल्लो नहीं वो आना चाहिए आपका ब्लू, और हमने हाईएस्ट वैल्यू के लिए हमने यहाँ पे नंबर दिया कि मेरी हाईएस्ट वैल्यू 80 है और 80 पे आना चाहिए ग्रीन कलर एंड ओके कीजिए। 40 से फोर्टी से जो नीचे था आपके सामने दिख गया। इस तरह से कस्टमाइज आप कर सकते हैं, ठीक है, कलर में भी। उसी तरह से आइकन्स में और भी बहुत सारे आइकन्स हैं जिसका यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, स्टार भी दे सकते हैं आप, जैसे कि रेटिंग वगैरह देना है आपको कि किसको कितना रेट मिला है। तो मान लीजिए हम रेट को करते हैं, किसी को 5 मिला, 4 मिला, 3 मिला, 9 मिला है, 10 मिला है, इस तरह से रेटिंग है।
रेटिंग मिला हुआ है, तो इस पे अब सेलेक्ट करके अब मैं यहाँ पे स्टार रेटिंग दे रहा हूँ, तो जैसे अब हाईएस्ट होगा वो आपका रेटिंग होता जाएगा। दिख गया सर, इस तरह से भी दे सकते हैं। हालांकि जो रेटिंग होता है उस तरह के नहीं है, लेकिन हाँ उसको भी किया जा सकता है, वो आगे क्लास में समझाएंगे आपको। आगे बढ़े इसमें, अब बात आती है कि इसमें तो प्री डिफाइंड कंडीशंस आ रहे हैं, अगर मुझे खुद के कंडीशन लगाने होंगे तो कैसे लगाएंगे खुद के कंडीशन। तो जैसे कि मैं चाहता हूं कि अगर इन सबों का सेल जो इन जो हर एक रो का आपको दिख रहा है, हर रो का टोटल जो है ग्रेटर देन 800 है, तो पूरा का पूरा डेटा हाईलाइट हो जाना चाहिए इस तरह से, समझे। तो इसमें हमें लगाना पड़ेगा सम का फॉर्मूला। जब किसी सेल पे हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि हम एक सिंगल सेल को सिलेक्ट करेंगे, यहां सिंगल सेल, फिर यूज फॉर्मूला पे जाएंगे और मैं यहां करता हूं इक्वल सम, सम के अंदर हमने अपना फॉर्मूला सिलेक्ट कर लिया और इसको क्लोज किया और बोला ग्रेटर देन 800, बट मुझे नीचे तक ड्रैग करना है तो वन के आगे का रो नंबर के आगे का डॉलर हटाना पड़ेगा, तभी 1 2 3 4 5 होगा, और जो आप देना चाहते हैं फॉर्मेटिंग वो फॉर्मेटिंग आप दे दीजिए एंड ओके कर दीजिए, और फॉर्मेट पेंटर से आप पूरे डेटा पे पेंट कर दीजिए, ठीक है। अब कलर नहीं हुआ, हो गया कलर सर, इसका 800 से ऊपर है, 880 आ गया, रैम में पिन चेंज हो रहा है। तो यहां पे हमने सम का फॉर्मूला लगाया हुआ है, और क्या क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अकाउंट नंबर है और मैं चाहता हूं कि इसमें कोई एबीसीडी टैक्स एंट्री ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि नंबर अकाउंट नंबर लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं बैंक का नेम एसबीआई और अकाउंट नंबर लिख देते हैं, तो एक टैक्स हो जाता है ना, तो फिर मैचिंग में दिक्कत होता है। तो मैं आइडेंटिफाई कर लूँ कि कहाँ पे टेक्स्ट है कहाँ पे नंबर है, तो किस सेल में टेक्स्ट है किस सेल में नंबर है, टेक्स्ट है इसका पता क्या चलता है, इज टेक्स्ट फॉर्मूले से, इज टेक्स्ट फॉर्मूले से, राइट। तो यहां पे हम क्या करेंगे, न्यू रूल्स में आएंगे और यहां पे इक्वल इज टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन इसको सेलेक्ट कर लिया और A2 को सेलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट में आते हैं और यहां पे हम दे देते हैं कलर अपना, इसे रेड कर दिया। अब बोलेंगे सर यहां पे कुछ इक्वल सिक्वल नहीं लगाया, तो इज टेक्स्ट का रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आता है और आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी ट्रू या फॉल्स पे ही चलता है, तो आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी ट्रू या फॉल्स पे चलता है, राइट। Then okay, और फॉर्मेट पेंटर से हम नीचे की तरफ पेंट कर देंगे, समझ में आ गया सर। अब एक चीज और है कि क्या फॉर्मूला हर चीज में फॉर्मूला लगाना जरूरी है, कुछ केसेस में फॉर्मूला लगाना जरूरी नहीं होता है खुद के कंडीशन में, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे सामने एक डेटा है और मैं इस डेटा में कुछ सर्च करना चाहता, सर्च में हम यहां देते हैं सर्च, राइट। मैं चाहता हूं कि मैं 50 लिखूं, तो जहां जहां 50 है वो सारा हाईलाइट हो जाना चाहिए, तो इसके लिए बहुत से लोग फॉर्मूला लगाते हैं लेकिन जरूरी नहीं है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया और न्यू रूल्स में जाने के बजाय हम यहां इक्वल टू में जाते हैं और जो 50 मैनुअल जो है 50 लिखते हैं, यहां पर किसी सेल को लिंक भी कर सकते। विकास जी गुड इवनिंग सर, पूरा आधा घंटा लेट आया सर। अरे गुड इवनिंग सर, बस सर अभी जॉइन किया, एक्चुअली मीटिंग चल रही थी। 45 मिनट की क्लास में आप 30 मिनट लेट हो गए सर।
इसलिए बोल रहा था वो तो। मैं कोई नहीं, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग बता रहे हैं ना। हाँ तो कंडीशन मेरे को आता है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपने देखा किस तरीके से हमने यहाँ पे ओके कर दिया, ये आपका आ गया। अभी जैसे मैं यहाँ पे 70 करूंगा तो 70 आ जाएगा, 60 करूंगा तो 60, और 90 करूंगा तो 90 जहां जहां हाईलाइट हो जाएगा। इसमें मैं फॉर्मूला नहीं लगाया, लेकिन यहीं पे आपको कुछ और करना हो, जैसे कि मैं चाहता हूं कि जितना डेटा हो मेरा उतना ही फॉर्मेट हो इस सीट पे, ऑटोमेटिकली बॉर्डर लग जाए जहां जहां डेटा है वहां, समझे। इसके लिए मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बताता हूं आपको, यहां जहां से जहां तक हमारा डेटा है, मतलब नीचे भी डेटा होगा तो फुल डेटा में बॉर्डर लग जाए। जी हाँ, डेटा अगर करके चेंज होता है तो बॉर्डर अपने आप इंक्रीज हो जाए, हमें बार बार बॉर्डर ना लगाना पड़े। इसका यूज हम लोग VLOOKUP लिस्टिंग में करते थे, न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला, और हमने बोला कि सिलेक्टेड सेल इज ग्रेटर देन जीरो, सिलेक्टेड सेल इज ग्रेटर देन जीरो तो इसके ऊपर फॉन्ट, हमने ग्रेटर देन जीरो क्यों किया, क्योंकि अगर सेल ब्लैंक है तो एक्सेल उसको जीरो समझता है, अगर ब्लैंक से ऊपर है तब उसको समझता है कि हाँ ये ए है, मतलब कि इसमें कोई वैल्यू है। तो हमने सिर्फ सिलेक्ट कर लिया बैकग्राउंड ए, बॉर्डर सिलेक्ट कर लिया, कुछ सिलेक्ट नहीं किया हमने, ओके। और जाहिर सी बात है जब ड्रैग करेंगे तो इस डॉलर साइन को यहां से रिमूव कर देंगे, देन ओके। और फिर हम फॉर्मेट प्रिंटर लेंगे और जितना पॉसिबिलिटी हम कहां तक डेटा लिख सकते हैं वहां तक इसको हाईलाइट कर देते हैं, आ गया। अब जैसे जैसे मैं यहां पे डेटा टाइप करते जाऊंगा बॉर्डर लगते जाएगा। इसका एक चीज और कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपका नेम है और ये आपका सेल्स है, चल डेट, मैं यहाँ पे हमने नेम डाल दिया पूजा और यहाँ पे डेट डाल दिया अपना, राइट। हेलो हेलो, यहाँ पे हमने डेट डाल दिया, लेकिन इसमें अगर मान लीजिए कि बाद में मैं यहाँ पे सेल्स चेंज करता हूँ और सेल्स चेंज करता हूँ और यहाँ इसको डिलीट करके मैं इसमें अपना नंबर लिखता हूँ, तो नंबर लिखते ही आपका डेट फॉर्मेट में आ जाता है, तो मुझे वापस इसको जनरल फॉर्मेट करना पड़ेगा। फिर इन फ्यूचर में अगर मैंने यहाँ पे कोई फिर वापस डेट किया तो यहाँ मुझे वापस जो है इस पे मान लीजिए डेट यहां पे लिखा तो फिर वापस हर परेश करना पड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि अगर इसके ऊपर बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट है मान लीजिए डेट का फॉर्मेट है, अगर इसके ऊपर डेट के अलावा कुछ आता है तो ये जनरल फॉर्मेट में हो जाए, समझे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स में यूज फॉर्मूला में हम ये चीजें करेंगे। हम यहां इक्वल B1 को सिलेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि अगर A नॉट इक्वल टू डेट, राइट, और फिर इसमें हम नंबर फॉर्मेट में जनरल देते हैं, ओके okay? और नीचे तक ड्रैग करना है तो आप नीचे तक भी ड्रैग कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मैं यहाँ पे सेल्स, यहाँ पे हमने सेल्स लिखा तो देखिए नंबर फॉर्मेट में आ गया आपका, और जैसे मैं यहाँ पे डेट डालूंगा तो वापस आपका डेट का फॉर्मेट आ जाएगा। एक चीज थी, हाँ, जैसे डेट डालते हैं हम लोग, हाँ, तो मान लो कोई भी डेटा बना रहे हैं उसमें आज की डेट डालनी है तो सिंगल क्लिक से आ जाता है सिस्टम की डेट। हाँ, सिस्टम डेट आने के लिए आपका शॉर्टकट होता है कंट्रोल, सॉरी कंट्रोल के साथ आपका सेमी कॉलन जो होता है ना वो प्रेस कीजिएगा, कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन, अच्छा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ करते हैं तो सेमी आपको डेट टाइम आ जाता है। अच्छा। आप चाहते हैं कि मेरा हमेशा सिस्टम डेट ही दिखता रहे हमेशा, तो उसके लिए आपको टुडे का फॉर्मूला लगाना होगा। टुडे का फॉर्मूला लगाइए तो हमेशा आपको सिस्टम डेट दिखेगा,
ठीक है। तो जहां सेल में टाइप कर रहे हैं वहीं पे वो इक्वल टू करके टुडे टाइप कर दे बस। हाँ तो लेकिन ये देखिए हमेशा चेंज हो रहा है, मतलब ये फिक्स नहीं रहेगा। तो डेटा एंट्री में इसका यूज नहीं कीजिएगा, इसका यूज फॉर्मेट में होगा। हर बार चेंज होता है इसलिए, और डेट एंड टाइम दोनों चाहिए तो उसके लिए हमारे पास नाउ का फॉर्मूला होता है। अब आगे आती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब बोलेंगे बहुत सारी चीजें हैं क्या, तो चलिए आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। ये ग्रांट चार्ट की रिपोर्ट आप दिख रहे हैं, ये भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग से बनाया गया है। ये चार्ट है, ये भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग से ही बनाया गया। ये आपका प्रोजेक्ट डेट है, प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट है। मान लीजिए मैं डिफरेंट मिनिमम, अच्छा इसमें से लिया है, इसमें कहीं पे 2018 का डेट डाला होगा, इस कारण से आ रहा होगा। सात सात यहाँ पे 2020 कर देते, और यहाँ भी आ गया सर, दिख रहा है सर आपको? ये पूरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग से बनाया, कोई चार्ट नहीं है, देख रहे हो पूरा फॉर्मूला लगा हुआ है। और इसके ऊपर आप अगर मैनेज रूल में जाकर देखते हैं तो देखिए सारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस्तेमाल किया गया, और कंडीशन फॉर्मेटिंग में इन्होंने बहुत सारे फॉर्मूले का भी इस्तेमाल किया। विकास जी दिख रहा है आपको? हेलो, हाँ जी, हाँ जी दिख रहा है। तो ये कंडीशन फॉर्मेटिंग छोटी मोटी चीज नहीं है सर, बहुत सारे जगहों पर इसका यूज किया जाता है। बट क्या है कि अभी तक मैंने आपको ये फॉर्मूले आप लोगों को बताए नहीं, तो ये चीज हम आपको कराएंगे जब फॉर्मूले करा देंगे उसके बाद। जब आपके हम फॉर्मूले करा देंगे तो उस फॉर्मूले के डेट में मैं बताएंगे आपको कि इस तरह की चीजें हम कैसे बनाते हैं और कैसे फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में। फिलहाल जो छोटी मोटी फॉर्मूले थी वो आपको मैंने बताया, और इसमें एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, और मैं विकास जी से पूछना चाहूंगा। विकास जी ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है सर। हम लोग क्या करते हैं कि हाईलाइट डुप्लीकेट करते हैं ना, यहां से हाईलाइट डुप्लीकेट, ये क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट कर देता है। कर दिया ना सर? लेकिन मुझे हाईलाइट करना है सिर्फ डुप्लीकेट को, मतलब कि मुझे पहला जो आया उसको छोड़ देना है और हाईलाइट मुझे इसको करना है। इसके नीचे अगर जो रिपीट होगा नंबर वो हाईलाइट होना चाहिए, ताकि हम डिलीट करने में देखें कि हाँ हमें इसको डिलीट करना है, इसको डिलीट करना है। ये हमारा फर्स्ट टाइम एंट्री हुआ था, तो कैसे करेंगे सर इसको हम? जी ये आइडिया है ज्योति जी, आपको आइडिया है? सर आपने कल बताया था ना? नहीं कल नहीं बताया, बताया था हम डुप्लीकेट वैल्यू में बताया था, पर तीनों को कर देगा डुप्लीकेट वैल्यू सर। वो फील वाला जीरो लगा देंगे, वाइट कलर लगा देंगे। नहीं नहीं, तो फिर आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि कौन यूनिक है कौन सा डुप्लीकेट है? पहले मुझे यहाँ पे आइडेंटिफाई कराना ना सबसे पहले। ये डुप्लीकेट है, ये हाईलाइट किस, क्योंकि इसके साथ और भी नंबर हो सकते हैं ना नीचे, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो एक ही बार आया है और हाईलाइट है ही नहीं, डुप्लीकेट है ही नहीं। जरूरत है सुरेंद्र जी,
इसकी जरूरत पड़ती है फ्यूचर में, आपके ऑफिशियल लाइफ में इसकी जरूरत पड़ती है। ये आप लोगों का रिसर्च रहा आज का, तो आप लोग रिसर्च करके इसका सॉल्यूशन ढूंढ के लाइए। मेरे पास एक सॉल्यूशन एक है, बट मैं चाहता हूँ आप लोग ढूंढिए, ऐसा हो सके कोई और सॉल्यूशन निकल जाए जो मुझसे सिंपल हो। अच्छा एक बार फिर से क्वेश्चन बताइए, मैं कल करके लाऊंगी। क्वेश्चन ये है आपके सामने कि जब हम हाईलाइट करते हैं डेटा को, तो इसमें जब हम मान लीजिए कि तीन बार वैल्यू हमने लिख रखा है, और तीन बार मान लीजिए यहाँ पे मैंने तीन बार लिख रखा है, तो जब हम यहाँ पे हाईलाइट डुप्लीकेट करते हैं तो वो तीनों वैल्यू को हाईलाइट कर देता है, राइट? इन तीनों को उसने हाईलाइट कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं करना है, मुझे पहले वाले को छुड़वा देना है कि जो वन टाइम फर्स्ट टाइम आया था कि यहाँ पे टाइप हुआ, मैं पहले टाइप दो यहाँ टाइप हुआ, अगर इसके नीचे कहीं भी दो आता है तो जितने बार दो आएगा वो सारे हाईलाइट कर देना है, बट फर्स्ट बार फर्स्ट जो है उसको छोड़ देना है। छोड़ देना, ठीक है, जो मेन वैल्यू है उसको छोड़ देना, ताकि आगे जो इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है कि अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट डुप्लीकेट कर दिया तो अब फिल्टर में हम कैसे इसको करेंगे, मान लीजिए मुझे इसको डिलीट करना, एक को छोड़ के बाकी सबको डिलीट करना है, तो कैसे हम करें इसको? हालांकि इसमें और भी तरीके हैं, लेकिन मैं अभी फिलहाल इतनी नॉलेज उसकी डिपेंड कर रहा हूं, मैं आप लोगों के पास जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग कैसे करेंगे। तो अच्छा, ऐसी कोई चीज आपने वैसे हमें अभी तक बताई तो नहीं है शायद कि ऐसे एक आइटम, मैंने आपको इस पर रिसर्च बोला है, आपको रिसर्च करना है, एक सेल सिलेक्ट फर्स्ट सेल सिलेक्ट ना हो, ऐसा तो कुछ शायद मेरे नॉलेज में ध्यान में नहीं है। नहीं है, मुझे पता है नहीं, इसे तो बोला कि इसको रिसर्च कीजिए। इसमें मतलब बेसिकली ये वाली बात होगी कि वो फर्स्ट सेल जो है वो सिलेक्ट नहीं होना, नहीं फर्स्ट एंट्री उस डेटा की जो फर्स्ट एंट्री है, अच्छा, वो उस वैल्यू की फर्स्ट एंट्री सिलेक्ट नहीं हो, देन आफ्टर जितना भी डुप्लीकेट वैल्यू है वो सिलेक्ट होना चाहिए, हाईलाइट। हाँ, वो एक पर्टिकुलर जहाँ से वो फर्स्ट एंट्री है वो सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए। हाँ, इस पे रिसर्च कीजिए, क्योंकि आपके ऑफिशियल लाइफ में वही सारी चीजें वही थोड़ी आएगी जो मैंने आपको बताया, कुछ चीजें ऐसी भी तो आ सकती है जो आपके नॉलेज से बाहर हो, आपने कभी ऐसा कुछ किया ना हो, तो उस समय अगर इस तरह की रिसर्च आपके हैबिट में रहेगी तो आप उसको ढूंढ लेंगे, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, सॉल्यूशन भी ढूंढना है, सोचना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसलिए इस तरह की चीजें हम बीच बीच में आपको इसलिए देते हैं ताकि आप लोग मतलब कि सेल्फ लर्निंग का जो होता है ना सर, वो डेवलप करें, और इन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी सॉल्यूशन ढूंढ सके, इसके लिए एलिजिबल हो। अच्छा, इसमें ऐसा हो सकता है कि हम पूरे डेटा को सिलेक्ट करके फिर फर्स्ट एंट्री को डिसलेक्ट कर दें, और नहीं भाई, कहने का मतलब है कि आपको एरिया एरिया तो आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, फर्स्ट एंट्री है कैसे पता चलेगा, पहले इसी को तो निकालना है, जरूरी कि फर्स्ट एंट्री यहाँ भी होगी, हो सकता है कि यहाँ भी हो, तीन यहाँ पर होगी, वो तो डेटा में नजर आ जाएगा ना फर्स्ट एंट्री जहाँ पे है। सर मैनुअल करेंगे तो फिर उससे अच्छा है कि वन बाय वन कलर कर दे, हमें तो ऑटोमेटिक करना है ना, ठीक है, फर्स्ट एंट्री का ही उसमें बना होगा। सर ऐसे दिमाग मत लगाइए, थोड़ा सा टाइम दीजिए इस पे, मजा आएगा। ठीक है, नहीं नहीं वैसे ही बात कर रहा था, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे। ठीक है सर, ओके, तो मिलते हैं कल।